हेलो एवरीवन, आज हम आपको आलू की सब्जी के बारे में बताएंगे। आलू की सब्जी, ये ड्राई आलू की सब्जी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें जो भी सामग्री हम डालेंगे वो वीडियो में बताई गई है। और इसमें पहले हम आपको बता दें कि जो जीरे के फायदे हैं वो क्या है। बेनिफिट ऑफ क्यूमिन सीड, जीरे को इंग्लिश में क्यूमिन सीड भी कहा जाता है। इससे नॉर्मल बीमारियां जैसे कि भूख नहीं लगती है, बवासीर की तकलीफ, फिर बिच्छू काट लेने पे शहद के साथ जीरे को लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है, और मोटापा जैसी सर्वव्यापी बीमारी में ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट हैं। तो हम जीरे को पहले अच्छी तरह से इसे तेल के अंदर डाल के हल्का सा तेल तल लेंगे। जीरा आलू की सब्जी वैसे तो बहुत स्वादिष्ट एक सूखी सब्जी है जो उत्तर भारत में ज़्यादा खाने में आती है, और ये बनाने में काफ़ी बहुत सरल है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और इसे चपाती, पराठे, तंदूरी रोटी, कुलचा, नान के साथ भी इसे खा सकते हैं। जैसे आपका टेस्ट आपको लगे आप उसके साथ इसे खा सकते हैं। इसकी तैयारी करने में 15 मिनट आपको लगेंगे और 10 मिनट तक पकाने का आपको टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए कुछ चीज़ें आपको लेनी होगी, जैसे कि 1 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लेना होगा, धनिया जीरा पाउडर, और हरी मिर्च अगर आपको चाहिए, वैसे हमने तो इसमें नहीं डाली है, और 2 टेबल स्पून जितना तेल आपको लगेगा। अगर नींबू आप डालना चाहे, अमचूर पाउडर डालना चाहे तो ये डाल सकते हैं, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और नमक स्वाद अनुसार जैसे आपको चाहिए। एक भारी तले वाली कढ़ाई, जो कढ़ाई होती है उसके अंदर, या फिर नॉन स्टिक पैन होगा आपके पास, उसे ले लीजिए और उसमें तेल डाल के उसे गर्म कर लीजिए। थोड़ी देर तक उसे हल्की आंच पर गर्म होने दें, फिर उसमें क्यूमिन सीड यानी कि जीरा डाल दें और उसे थोड़ी देर तक भूनें, 30-40 सेकेंड तक उसे कम से कम भूनें। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर पहले भी आप डाल सकते हैं, बट हमने यहाँ पर पहले ही आलू डाल दिए हैं और उसे काफ़ी देर तक फ्राई किया है। आलू को आप पहले उबाल भी सकते हैं। उबालने के बाद आलू को अच्छी तरह से उसके अंदर बाकी की मिर्च, लाल मिर्च, धनिया वगैरह ऊपर से डाल दें। ये सब्जी बनाने का काफ़ी सिंपल तरीका है। आप वीडियो देखिए और सारी टिप्स फॉलो कीजिए। इस सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए आलू को उबालते वक्त नमक डालना मत भूलें। और कुछ और टिप्स हैं, जैसे कि आप बड़े आलू का उपयोग करने के बदले 10-12 छोटे आलू ले लें, वो भी अच्छा रहता है। इसे तीखा बनाने के लिए गरम मसाला पाउडर भी आप डाल सकते हैं, स्वाद हल्का तीखा होगा। और जैसे मैंने बताया, आप इसे पराठे के साथ और बूंदी रायते के साथ भी खा सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आप इसे इजीली बना सकते हैं। जो कि मैंने मेरे पहले किसी भी वीडियो में वॉइस नहीं डाला था, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं इसमें अपना वॉइस डाल देते हैं। और अगर आपको इसके बारे में और कुछ पूछना हो या फिर और कोई रेसिपी के बारे में जानना हो तो आप बताइए, हम हमारे चैनल पे वो रेसिपी बनाएंगे, डालेंगे। और ये फ्री टू यूज़ है, मतलब ये वीडियो क्रिएटिव कॉमन राइट्स के अंतर्गत है, मतलब कोई भी इसे ले सकता है, यूज़ कर सकता है कहीं भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू।